टिकटॉकर का मजाक उड़ाने वालों, थूक जितनी औकात है तुम्हारी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। क्या खुदाया, कोई इसको ज्ञान दो भाई, कोई इसको ज्ञान दो यार। अबे अबे प्याज, तू कहाँ जा रहा है साले? ज्ञान देने की बात कर रहा हूँ, गांड देने की नहीं। एक तो ये बंदा साला जहाँ भी कोई सेलिब्रिटी देख लेता है तुरंत सेल्फी लेने चला जाता है, और जहाँ टिकटॉकर देख लेता है वहाँ साला ये गांड देने चला जाता। तो चलो भाई मैं ही इसको ज्ञान देता हूँ। अबे माना कि हम थूके, लेकिन लोग तो तेरे मुँह पे थूके हैं। अब तू एक बात समझ, लोग थूकते कहाँ पे? गंदी की जगह पे, या फिर टट्टी वगैरह ऐसी चीज देख ले तो थूक देते हैं। तो गंदी जगह प्लस टट्टी प्लस टू डिवाइडेड बाय हमारा थूक इज इक्वल टू जीरो, हो गया ना भाई इक्वेशन सॉल्व। भाई इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी इंजीनियर और यूट्यूबर से पंगे मत लेना, और बंदा जब दोनों ही होता हो तो बिल्कुल मत लेना। तो भाई अब पढ़ते अपने मेन मुद्दे आमिर सिद्दीकी पे। तो भाई जब सारे रोस्टर्स ने उसकी आराम से फुर्सत से बड़े प्यार से ली है ना, तो भाई साहब की फटके हो गई चार, छह हो गई। तो उसके बाद भाई साहब ने एक और वीडियो बना के डाला। मेरा बोलने का मतलब सारे यूट्यूबर्स के लिए नहीं था, मैंने दो बार क्लियर कर दिया कि सब यूट्यूबर्स को मैंने नहीं बोला था, और मेरे को सबकी मेहनत दिखती है। मैंने वो लोगों को बोला था जो रोस्टिंग के नाम पे लोगों को इंसल्ट करते हैं। नहीं भाई, अगर गांड फटी का कोई फेस होता ना बिल्कुल ऐसा ही होता, देख लो एक बार। नहीं तो भाई इसने जब देखा कि इसको इंस्टाग्राम पे इसके गालियां पड़ रही, टिकटॉक पे इसको गालियां पड़ रही, यूट्यूब क्योंकि लोग वीडियो बना रहे उसमें इसको गालियां पड़ रही है, तो भाई साहब क्या बोलते हैं कि मैं सारे यूट्यूबर्स को नहीं कह रहा था, जबकि लास्ट वीडियो में साफ साफ दिखाया है यूट्यूबर्स बोल रहा था, लेकिन अब क्या बोल रहा है, मैं रोस्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी जो ट्रोल करते हैं। तो मेरे भाई बात समझ, तू अभी बोल रहा है कि यूट्यूबर्स नहीं रोस्टर और ट्रोलर्स की बात कर रहा है, कल को जब ये रोस्टर और ट्रोलर्स तेरी अच्छे से मार लेंगे ना, तब तू बोलेगा नहीं मैं रोस्टर और ट्रोलर की बात नहीं कर रहा, मैं एक पर्टिकुलर बंदे की बात कर रहा था। फिर जब वो पर्टिकुलर बंदा तेरी अकेले में फुर्सत से मार लेगा ना, तब तू बोलेगा नहीं भाई मैं रोस्टर और यूट्यूबर ट्रोलर के बारे में बात ही नहीं कर रहा था, मैं तो साला वो टिकटॉकर वो जो लाइक ऐप्स यूज करते हैं उनके बारे में बात कर। अबे भैया हमको पता है तुम बात से ऐसे ही मुकरोगे, तुम अभी मुकर गए, तुम फिर मुकरोगे, और उसके बाद भी मुकरोगे, क्योंकि भैया विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो। और आप लोग की वजह से मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स धपाधप भाग रहे, और मेरा प्रोफाइल विजिट पहली बार मिलियंस टच कर गया इन 7 डेज। So, ये सब तो आपके हेल्प के बिना हो नहीं सकता था, सो थैंक यू सो मच। तो भाई ये बंदा बोल रहा है कि रोस्टर और ट्रोलर्स के वजह से इसके इंस्टाग्राम पे 7 दिन में मिलियन से ज्यादा चले गए, जो कि आज तक नहीं गए। तो समझ रहे हो ना बात को तुम लोग, रोस्टर्स और ट्रोलर्स और यूट्यूबर्स, सबसे कहना चाहूंगा भाई हम लोगों से इसकी दुकान चल रही है, ना कि इनके वजह से हमारी दुकान चल रही है। सबको पता है भाई, बच्चा हो या बड़ा हो, कि भाई टिकटॉक जो है यूट्यूबर और रोस्टर्स और ट्रोलर्स के वजह से फेमस हुआ है, ना कि तुम्हारी करतूतों के वजह से फेमस हुआ है। अगर ट्रोलर्स ट्रोल ना करते तो कोई साला तुम्हारी प्रोफाइल पे विजिट ना करता। बहुत सारे फेवरेट यूट्यूबर्स भी है मेरे, जैसे अमित बड़ाना हो गया, मोस्टली सेन हो गए, ब्यूनिक हो गया, बॉम्बे के बहुत सारे यूट्यूबर्स है, दिल्ली के है, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, जिनको मैं पहचानता हूँ, जिनसे बातें होती है, और वो उनका कंटेंट वेजिटेरियन कंटेंट होता है, वो गाली नहीं देते ना, वो किसी को इंसल्ट नहीं करते, वो भी तो आगे बढ़ रहे हैं ना। राउंड टू हेल हो गया, अबे बोतल फेंक के मारूंगा खोपड़ी फूट जाएगी सुतरी के, साला राउंड टू हेल की वीडियो देखी नहीं है तूने? बोल रहा है वेजिटेरियन कंटेंट, और बोल रहा है कि मैं अमित बड़ाना का वीडियो देखता हूँ, मोस्टली सेन को देखता हूँ, बी यूनिक, राउंड टू हेल, बोला वेजिटेरियन कंटेंट होता है। भाई तुम सिर्फ बड़े बड़े यूट्यूबर्स का नाम लेकर उनकी चाट सकते हो, तुम्हें पता भी नहीं होगा एक्चुअल में वो कंटेंट क्या डालते हैं। राउंड टू हेल का तूने नाम लिया, कभी कंटेंट देखा है खोल के? मस्त कंटेंट होता है भाई, और वेजिटेरियन नहीं नॉन वेज होता है उसका, लेकिन इतना मस्त होता है कुछ पूछ मत। तो मेरे भाई रिसर्च, मैंने पिछले बार में ही बोला था रिसर्च एंड फैक्ट, तूने फिर रिसर्च नहीं करी और बोल दिया राउंड टू हेल बहुत मस्त वीडियो बनाता है वेजिटेरियन। तो समझ नहीं आता भाई किस चीज के नशे कर रहे हैं ये टिकटॉकर यार, किस चीज के नशे कर रहा है भाई तू। जो आपने शक्तिमान तो देखा है ना, तो शक्तिमान वॉज अ सुपर हीरो, एंड शक्तिमान का दुश्मन था किलविश, तो शक्तिमान ही जीतता है ना हमेशा। तो नहीं भाई, लड़ लेंगे, कट लेंगे, पिट लेंगे, लेकिन ज्यादा एटीट्यूड कम नहीं होगा इनका। नहीं देख रहे हो बहन चूत, खुद को ना ये शक्तिमान से कंपेयर कर रहा है। तो भाई शक्तिमान देखता होगा ना तू, तो तूने देखा होगा एक एपिसोड में शक्तिमान का डुप्लीकेट आ जाता है, तू वही डुप्लीकेट है और हम असली शक्तिमान है। और तेरी बात ताले, अगर सच बताऊं ना, अगर तेरे जैसे शक्तिमान हो गए ना, तो भाई जीत किलविश की होनी चाहिए। रमजान का महीना चल रहा है, गाली देता हूँ, आती है मेरे को भी देने, ऐसा नहीं कि कोई गाली सुनेगा सिर्फ, देने को भी आती है, बट मेरे को देना नहीं है क्योंकि रमजान चालू है, और गाली देऊंगा भी नहीं मैं कभी इंस्टाग्राम पे, ये मेरे को नहीं आता है, क्योंकि मेरे भी घर पे माँ है, मेरे भी घर पे बहन है, एंड आई रिस्पेक्ट गर्ल्स। क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है तू पहले बोल रहा है गाली मेरे को आती है, मैं गाली देता भी हूँ, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे गाली नहीं दूंगा, क्योंकि मैं मेरे घर पे भी माँ बहन है, मैं माँ बहन की रिस्पेक्ट करता हूँ।
अबे चूती है क्या तेरी, सिर्फ इंस्टाग्राम पे मां बहन है, रियल लाइफ में नहीं है? तू अभी बोल रहा है रियल लाइफ में तू भी देता है लेकिन इंस्टाग्राम पे तू नहीं देता है। अरे कहना क्या चाहते हो भाई, अगर तुम लोग अब भी नहीं समझ पा रहे ना इस चूतड़ की शक्ल वाले को, तो भाई लानत है तुम पे। ये बंदा रियल लाइफ में कुछ और है और टिकटॉक पे कुछ और है। रियल लाइफ में ये बहुत गालियां देता होगा लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं देगा क्योंकि इमेज खराब हो जाएगी ना। वहां तो दिखाना है आई रिस्पेक्ट गर्ल, रियल लाइफ में चाहे भले ही चार चार गर्लफ्रेंड रखो और चारों को गाली देता हो। भाई अगर ऐसे लोगों को तुम अब भी फॉलो कर रहे हो तो भाई रब्बा खैर करे। बट स्टिल यार, वी स्टिल रिस्पेक्ट यू एंड तू स्टिल मेरा फेवरेट रहेगा। टेंशन मत ले, तेरा भी वक्त आएगा जब तेको ऐसी लाइफस्टाइल मिलेगी जो हम लोग के पास है, जो तेरे पास नहीं है। अबे ना भाई, हमको तेरे ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए भी नहीं। हमें चूतिया नहीं बनना जो गर्मियों में भी जैकेट पहन के बैठे। सच बता रहे हैं भाई, एसी वेसी सब चलेगा लेकिन फिर भी साला जैकेट नहीं पहनेंगे गर्मियों में। और जैकेट से मुझे याद आया भाई, मेरी लास्ट वीडियो में काफी कमेंट आए थे कि भाई इससे कोई पूछो ये साला चूतिया गर्मियों में जैकेट क्यों पहना है। भाई मैं तुम्हें बता दूं, एक बार गौर करो इसके पेट पे कॉनकेव हो रहा है। 10th क्लास में पढ़ी होगी ना फिजिक्स, कॉनकेव मिरर होता ना ऐसे वाला, पेट इसका कॉनकेव हो रहा है। अगर ये जैकेट भी उतार देगा ना तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि खाली हैंगर लटका हुआ है और वो हिल रहा है। तो इस वजह से इसने जैकेट लाद रखी है। और तू वही क्या बोल रहा, मूवी में जा रहा वो कूड़ा उठाने वाला लौंडा? अबे तो तू दूसरों की क्यों गिना रहा है, अपनी बताना कि तू कहां जा रहा है। ऐसे तो यूट्यूबर में बात करें तो हर्ष बेनीवाल स्टूडेंट ऑफ द ईयर में आ गया। तो भाई किसी और की सक्सेस मत गिना, तू बोल रहा है ना तो तू अपनी सक्सेस गिना, समझ गया बात को? चल अब कल आइयो रात को, फिर बताऊंगा तुझे किसका बड़ा किसका छोटा। सब्सक्राइबर बेस यार, ऑडियंस बेस, क्या बहनचोद हमेशा गंदी बातें ही सोचते रहते हो क्या? तो बस यार आज के लिए इतना ही, इसकी माँ का झोपड़ा डॉक्टर का सुझाया हुआ खत्म करते हैं। और तुम लोग बताओ मुझे कमेंट में वीडियो कैसी लगी है और अब नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं और ये टिकटॉकर और यूट्यूबर कब खत्म होगा और इनमें से कौन बेस्ट है। इतने सारे ऑप्शन दे दिए, सब में से कुछ भी कमेंट कर सकते हो। और यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो यार, हो सके जितने ज़्यादा उतना लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ में, व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर शेयर करो, लॉकडाउन चल रहा है। और यार अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो, कुछ नहीं जाता भाई, टोटली फ्री है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 4 दिनों के लिए अवेलेबल है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो चलो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। अरे रुको रुको भाई, स्पॉन्सर के बारे में बताना भूल गया। तो भाई अगर तुम्हारे पास गेमिंग से रिलेटेड नॉलेज है, गेमिंग्स की नॉलेज है, तो भाई मैं एक बताने जा रहा हूँ वेबसाइट के बारे में जिसका नाम है 1xbet। यहाँ पे तुम गेम प्रेडिक्शन करके पैसा जीत सकते हो, कमा सकते हो। तो अगर इंटरेस्टेड है तुम्हें, नॉलेज वॉलेज है, तो यार कमेंट में नीचे लिंक मिल जाएगा, जाके रजिस्टर कर दो, कोड डालोगे अगर बीबीचे तो तुम्हें वहाँ बोनस भी मिलेगा। तो जाओ ट्राई करो, आजमा लक आजमा, और क्या बस इतना ही कहना है, बस जाओ। गज मारी कम रखता जिंदगी में टंटा नहीं, कौन क्या बोलता मेरे बारे परवाह मुझे घंटा नहीं, कोई समझा नहीं इसलिए मैं ये समझाने आया हूँ, ये 5 साल की मेहनत है आज जो कुछ भी मैं पाया हूँ। जरूरत इच नहीं है, जरूरत इच नहीं है, ये सब की अपने को जरूरत इच नहीं है, सोने को इनके पास करवट इच नहीं है, अच्छी खासी इनकी परवरिश नहीं है, जरूरत इच नहीं।